करने वाली राक्षसी मत्स्या हूँ मैं। लंकेश रावण के भय से उनके प्रभाव में आने के कारण मैं रामकाज में बाधा बन रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सखा, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सागर के जल में विचरण करने वाले अनेक प्राणियों को लंकेश रावण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस सेना में अकेले ही सागर के अनेकों भयंकर जीवों से संघर्ष करने की क्षमता हो, आपके जैसे महाप्रतापी योद्धा हो, उससे लंकेश रावण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। अब रावण का काल निकट है। परंतु तुम पहले ही हमारे कार्य में बहुत भारी क्षति पहुंचा चुकी हो। आप निश्चिंत रहें, उस क्षति की भरपाई मैं और मेरी सेना जल के भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे। तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उद्यम प्रारंभ करो। जी मानव श्रेष्ठ। अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है।
अनुसार मेरु पर्वत का उपयोग सेतु निर्माण में तो ना हो सका, किंतु इस पर्वत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये पर्वत उचित है, इसे ले जाऊंगा तो शिलाओं की पूर्ति हो जाएगी। प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन।
तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। चलिए चलिए प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान, चलिए। ऐसा नहीं है हनुमान,
समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रणाम। जय श्री राम। सेतु प्रभु के लिए सेतु। बहुत ही अद्भुत है ये, कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वानर वीरों, तुम सबने जो ये मिलकर किया है ये संसार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया। अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु आप महान है, आप महान है प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। प्रभु, अब ये सेतु आपके चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रस्तुत है। प्रिय वानर वीरों, महाबली ऋक्ष वीरों, अनुपम है आपकी विशाल सेना जो मैंने भी प्रथम बार देखी। रघुनंदन राम आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके प्रचंड प्रयास के कारण वो असंभव कार्य संभव कर दिया जो कदाचित देवता भी ना कर सके। मेरे लिए किए गए इस अनुपम कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है जिसने अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग किया। ये प्रिय गिलहरियां देखने में भले ही छोटी हैं, परंतु इनका प्रयास बड़ा है, अतुलनीय है इनका श्रम, मैं सदैव इनका कृतज्ञ रहूंगा। Yeah.
प्रतीक चिन्ह है, जिसके द्वारा संसार में ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी। हनुमान, समय आ गया है अपनी विशाल वानर सेना और ऋक्ष सेना को लंका पर कूच करने के लिए सज्जित करने का। जो आज्ञा प्रभु। छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान तो केवल सच्ची भक्ति की अपेक्षा रखते हैं।